जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जा मैथ्स मैजिक पे। जा रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो आज का ये पूरा का पूरा वीडियो जो है ना, बहुत ही शानदार वीडियो है और हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग हर एक जिला में ये वैकेंसी निकल के सामने आ रहा है। और ये वैकेंसी जो है ना, पूरा का पूरा अगर आपके घर में महिलाएं हैं और वो 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, तो उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है और बहुत ही शानदार सैलरी भी है, मानदेय भी बहुत ही शानदार है। और आपको अपने ही जिला में जो है ना, ये नौकरी मिलने जा रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा सीट जो है ना, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है, महिला ही इस फॉर्म को भर सकती है। जी हाँ, जैसे आंगनबाड़ी में जो है ना, कुछ सीट पूरा का पूरा सीट महिलाओं के लिए रहता है, उसी तरह ये ठीक है ना, क्रेच वर्कर और सहायक क्रेच वर्कर का जिला पालना घर का जो सीट निकल के आ रहा है, वो पूरा का पूरा सीट महिलाओं के लिए है। और आज हम एक साथ आपको 4-5 डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो इस पे बनाया है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का आया था, हम आपको अपडेट दिए। आज हम आपको ये भी बताएंगे कुछ डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू का भी डेट आ चुका है, कहीं पे सिलेक्शन भी हो चुका है। तो अगर आपके घर की महिलाएं हैं जो 12th पास हैं, या आप खुद हैं या ग्रेजुएट हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना चाहिए और फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं क्रेच वर्कर और सहायक क्रेच वर्कर का। ठीक है, ये बिहार महिला बाल विकास निगम से ये वैकेंसी निकल के आता है, जिला पालना घर का। और क्रेच वर्कर का जो है ना, ग्रेजुएशन बेस्ड पे ये पूरा का पूरा भर्ती है और इनका मानदेय 14,730 रुपया होता है। अगर हम बात करें क्रेच वर्कर का काम क्या होता है, तो पूरा मैनेजमेंट करना, जो पालना घर होगा उसमें पूरा का पूरा मैनेजमेंट इन्हीं के हाथों में रहेगा। और सहायक क्रेच वर्कर होगा ये इंटरमीडिएट 12th अगर आप पास है किसी भी सब्जेक्ट से, यहाँ पे जो है ना 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से है, तो 11,640 रुपया आपको मानदेय मिलेगा और आप सहायक क्रेच वर्कर होइएगा। ठीक है, ये दो वैकेंसी जो है ना ICDS डिपार्टमेंट से निकल के सामने आ रहा है और हर एक जिला में आ रहा है। अभी हम आपको लगभग 4 जिला के बारे में बताएंगे और कुछ जिले के नोटिस के बारे में ये भी बताएंगे कि कहाँ पे इंटरव्यू का डेट भी आ चुका है। बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। अगर आप इसके फॉर्म को भरिएगा तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगा, आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट होगा, इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के बाद जो है ना आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप बन जाते हैं क्रेच वर्कर या सहायक क्रेच वर्कर। तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा और अगर आपको लगता है कि कोई इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है, तो हम आपको ले चलेंगे नोटिस पे और वहां से दिखाएंगे कि क्या क्या किस किस जिला में ये वैकेंसी निकल के सामने आया है। अगर आप फॉर्म भरना है तो हर एक जिला का देखिएगा, हो सकता है कि आपके जिला में भी आज आ गया हो। और ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपके बगल वाले जिला में आ चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें 1 रुपया फीस नहीं लिया जाता है, अप्लाई करने का 1 रुपया भी फीस नहीं है। बहुत सारे एग्जाम में तो आप देखते ही है ना कि जहाँ पे फीस लिया जाता है, एग्जाम होता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एक फॉर्म भरना है, उस फॉर्म को उस एड्रेस पे भेज देना है, फिर इसके बाद आपका क्या होता है, फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाता है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद जो है ना आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये विद इन 15 डेज और 1 महीने के अंदर ही कर लिया जाता है। आपने देखा है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ना ये नोटिस निकला था, हम बताए भी थे, वहां पे सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो, तो जरूर इस पूरे नोटिस को ध्यान से देखिएगा, जिला वाइज नोटिस निकल के आ रहा है। हम आपको ले चलते हैं जिला वेबसाइट पे और वहां से दिखाते हैं कहां से ये नोटिस, कुछ किस डिस्ट्रिक्ट का ये नोटिस निकल के सामने आ रहा है। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, कॉमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के फायदे का है तो जरूर इसको शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं नोटिस बोर्ड पे। चलिए, तो हम लोग जिला वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब हम लोग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का जो है ना नोटिस देखेंगे और जिला पालना घर का देखेंगे। बहुत जगह पे जो है ना नोटिस भी आ गया है, फ्रेश नोटिस भी आ गया है और कहीं कहीं पे सिलेक्शन सॉरी इंटरव्यू का डेट भी आ चुका है। तो आइए आपको जो है ना एक एक जिला का यहाँ से दिखाते हैं, पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिएगा। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सबसे पहले बांका जिला। ठीक है, बांका डिस्ट्रिक्ट पे आए हुए हैं और यहाँ से नोटिस निकालते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें दिया गया है। तो बांका डिस्ट्रिक्ट से जो है ना जो भर्ती है, आप यहाँ देख सकते हैं ICDS पलना घर के संबंध में, ICDS पलना घर के संबंध में, पलना घर के संबंध में क्या है ये पूरा का पूरा आपको यहाँ से नोटिस में पता चल जाएगा। तो चलिए नोटिस खोलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा वैसे लोगों के साथ जिनको जो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, ये समरणालय बांका है और यहाँ से देखिए क्रेच वर्कर और सहायक क्रेच वर्कर के लिए, ठीक है, इसका जो मासिक
पारिश्रमिक होगा 14,730 और इनका 11,640 है, और शैक्षणिक योग्यता इसमें स्नातक उत्तीर्ण है, इसमें 12वीं पास है, इंटरमीडिएट है। कुछ लोग ये सोच के फॉर्म नहीं भरते हैं कि इसमें 3 साल का अनुभव मांगा जाता है, नहीं, उसका एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं भी अनुभव है तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना बांका में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो है ना कैसे इसका फॉर्म फिलअप होगा, ये इसमें हाथों हाथ आपको जमा करना है बांका डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म को पूरा भर लेना है। भरने के बाद आप जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र जो भी लगाते हैं वो लगा देना है, सबको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। सेल्फ अटेस्टेड करके हाथों हाथ जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, देखिए जिला प्रशासन द्वारा परला घर संचालन यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए पत्र, विविध पत्र में पूर्ण बायोडाटा, फोटोग्राफ, योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की 100 अभी प्रमाणित छाया प्रति के साथ 27 फरवरी शाम 5 बजे तक प्रोग्राम पदाधिकारी समरालय बांका के कार्यालय में हाथों हाथ स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पे हाथों हाथ जमा करना है, आपको भेजना नहीं है, आपको वहाँ जाके ही जमा करना होगा, ठीक है, जो आप 27 फरवरी तक कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए इसका फॉर्म क्या है, यहाँ ये नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा फॉर्म क्या है। इस फॉर्म को ही आपको भरना है, इस फॉर्म को अच्छे से आपको भर देना है। आवेदित पद का नाम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर दोनों पोस्ट के लिए करना चाहते हैं तो 2 बार फॉर्म भरना पड़ेगा। अभ्यर्थी का पूरा नाम, पिता पति का नाम, ठीक है, पदचार का पता, स्थायी पता, फ़ोन नंबर, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता का संलग्न करना आवश्यक है, अनुभव हो तो संलग्न करना आवश्यक है। तो ये पूरा का पूरा आप देखें यहाँ से बांका डिस्ट्रिक्ट का जो है ना, ये जिला पालना घर नारी शक्ति योजना कह सकते हैं, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत जो है ना पालना घर का व्यवस्था किया जाता है। और ऐसे लोग जो ऐसी महिलाएं जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अगर आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो इसको ज़रूर भर लीजिएगा और आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जो है ना काम करने का मौका मिल जाएगा। चलिए, तो आपने देखा अभी पूरा का पूरा बांका जिला का जो है ना, 2 पोस्ट पे, अलग अलग पे ये वैकेंसी निकल के आया है। फॉर्म भरना कैसे है पूरा हम बता दिए आपको। ले चलते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट में आपको ले चलेंगे, जहाँ पे सेम वैकेंसी निकल के आया हुआ है, जिला पालना घर का ही वैकेंसी निकल के आया है। तो इसके लिए हम आपको दूसरे वेबसाइट पे ले चलते हैं, वहाँ पे लेकर वहाँ पे भी देख लीजिएगा। वहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म जहाँ पे हाथों हाथ जमा करना है वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको जो है ना ईमेल आईडी के माध्यम से आपको भेजना है, स्कैन करके आपको भेजना होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और देखते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में और निकल के सामने आया है। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो बक्सर, देखिए बक्सर डिस्ट्रिक्ट में भी जिला पलनाघर का जो है ना वैकेंसी निकल के आया है, क्रेच वर्कर और सहायक क्रेच वर्कर का। और अगर आप बक्सर से हैं या कहीं से भी हैं, अगर आपके अगल बगल में ही बक्सर है तो ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। अगर आपकी घर की महिलाएं 12th पास या ग्रेजुएट हैं तो ज़रूर उनको ये फॉर्म भरवा दीजिएगा। ये देख लीजिए पालना घर का, ये देख लीजिए पुलिस मुख्यालय है तो पालना घर का विज्ञापन, तो यहाँ से देख सकते हैं आप पालना घर हेतु आवेदन प्रपत्र, इसको डाउनलोड कर लेता है और देखते हैं क्या दिया गया है नोटिस में। चलिए, ये देखिए बक्सर का है, महिला बाल विकास निगम बिहार पटना देश द्वारा जिला पुलिस अंतर्गत पालना घर के संचालन हेतु संविदा आधारित पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ भी 2 पोस्ट निकल के आया है, क्रेच वर्कर महिला हेतु आरक्षित है और एक सहायक क्रेच वर्कर। तो ये 2 पोस्ट के लिए जो है ना सेम मानदेय है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेम मानदेय रखा गया है। भले ही ये तो आपको लग रहा है संविदा पे है, लेकिन ये बहुत अच्छा जॉब है खास के महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला हेतु आरक्षित है पूरा का पूरा सीट। तो इसमें आपको क्या करना है, आवेदन भर के स्कैन करके सेल्फ अटेस्टेड करके, ये जो ईमेल आईडी आपको देखो दिख रहा है wcdbuxer@gmail.com, इसी पे आपको भेजना है, या निबंधित डाक द्वारा भी आप भेज सकते हैं। द्वितीय तल समरलाले बक्सर के पते पे दिनांक 3/2 से लेके आपको यहाँ पे देख लीजिए 9/2 तक, 9 फरवरी तक आपको 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक से दोनों पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो 2 अलग अलग फॉर्म भर के आपको अलग अलग लिफाफों में भर के भेजना होगा, चाहे आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी इसको भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आप एज की बात कर लो तो 37 है और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 है, ठीक है। ये कुछ शर्त दिया गया है जिसे आपको पढ़ लेना है सर, पहले तो जॉब लग जाए, इसके बाद शर्त कंडीशन सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट अभी आप देख चुके हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हम बता भी चुके हैं, आपको ले चलते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे जो है ना सेम वैकेंसी के बारे में जो है ना नोटिस निकल के सामने आया है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा। ठीक है, अब ये बक्सर देख लिए, बांका देख लिए, और अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को जरूर पूछिएगा। आइए आपको हम ले चलते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, फिर वहाँ से देखते हैं क्या नोटिस निकल के सामने आया है। तो आप देख रहे हैं कि जिला वाइज ये वैकेंसी निकल के आ रहा है, भले ही सीटों की संख्या एक एक करके दो दो सीट ही क्यों नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितने लोग फॉर्म भरते हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको एक डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पे इंटरव्यू का डेट जारी हो गया है, वहाँ पे आप देखिएगा दो सीट है, लेकिन लोग कितने फॉर्म उस फिलअप किए हैं, कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, 30 से 40 लोग। उन 40 लोग में 2 लोग का सिलेक्शन होगा, आप समझ सकते हैं कितना परसेंटेज ज़्यादा हो गया सिलेक्शन का। ठीक है, जहाँ पे लाखों लोग में 2 का सिलेक्शन होता है वहाँ पे, और यहाँ पे 40 में 2 का सिलेक्शन होता है, कितना ईजी है। ठीक है, लेकिन जो लोग इग्नोर करते हैं, आप इग्नोर करने दीजिए। आइए देखते हैं, ये देखिए कहाँ से कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, पालना घर का, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे देख लीजिए, ये नोटिस निकल गया है, इंटरव्यू का डेट आ चुका है। ये है जहानाबाद, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में जिला पालना घर का इंटरव्यू का डेट आ चुका है, और ये इंटरव्यू कब है ये पूरा नोटिस के साथ हम आपको बता देते हैं। ये इंटरव्यू जो है 8 फरवरी को 11 बजे जो है ना, समरालय जो है जहानाबाद में क्रेच एवं क्रेच वर्कर एवं हेल्पर के लिए जो है ना इंटरव्यू का तारीख बता दिया गया है, और बजाबते सबका नाम दे दिया गया है जिनका जिनका इंटरव्यू होगा। अगर आप जहानाबाद से हैं और अगर आप जहानाबाद से हैं और आप इस फॉर्म को फिलअप किए थे तो आप अपना नाम देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपका सूची आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा जिनका जिनका इंटरव्यू है, ज़रूर जाइएगा इंटरव्यू में। ठीक है, और इंटरव्यू को ज़रूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कहाँ पे क्या है, किस किस का नाम है, एक बार थोड़ा सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से कविता कुमारी, रानी कुमारी, सोनी कुमारी, मीना कुमारी, रेशमा कुमारी, ये सब नाम है जिनका इंटरव्यू है। ठीक है, ये सब नाम है, देखिए कितनी कम संख्या है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, 30 30 करके होगा क्रेच वर्कर का और सहायक क्रेच वर्कर का, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा। तो आप जहानाबाद से आप देख लिए, चलिए एक और डिस्ट्रिक्ट पे ले चलेंगे आपको जहाँ पे ये सेम वैकेंसी निकल के आया है। तो ले चलते हैं आपको नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पे भी दिखाते हैं आपको सेम वैकेंसी निकल के सामने आया है, और ये वैकेंसी पूरे डिस्ट्रिक्ट में निकलेगा, बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकलेगा। अभी तक बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में निकल चुका है, बाकी अभी आप देख ही रहे हैं कितने सारे डिस्ट्रिक्ट का हम अभी आपको बता दिए हैं, और जितने डिस्ट्रिक्ट का आएगा सब अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हो सकता है कोई आपके अपने हो जो इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब ये देख लीजिए मुंगेर, तो मुंगेर में भी जिला पालना घर का वैकेंसी निकल के सामने आया हुआ है। अगर आप मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को जरूर पूछिएगा। तो देखिए समरालय मुंगेर, जिला पदाधिकारी मुंगेर, जिला सूचना पदाधिकारी, अनुबंधन के आधार पर मुंगेर में कर्मी नियोजन हेतु जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में भी सेम वैकेंसी निकल के सामने आया है, और ये भी है क्रेच वर्कर और सहायक क्रेच वर्कर का है, सेम सैलरी है, सेम प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे हाथों हाथ जमा नहीं करना है, यहाँ पे तरीका अलग है फॉर्म भरने का, थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं क्या है तरीका, सब कुछ सेम है। ठीक है ना, बस फॉर्म भेजने का कहीं पे हाथों हाथ लिया जा रहा है, कहीं पे ईमेल आईडी के माध्यम से लिया जा रहा है। ये देख लीजिए, आपको भी ईमेल आईडी से ही भेजना है, wcdmungher@gmail.com। आपको फॉर्म बढ़िया से भर लेना है, सब कुछ स्कैन कर लेना है जो भी आपके प्रमाण पत्र ये सब हैं, और सेल्फ अटेस्टेड करके स्कैन करके फॉर्म भर के उसको स्कैन करके फिर से इसको पीडीएफ बना के आपको ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है wcdmungher@gmail.com इस पर आपको भेजना है, और कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना सा कर लेना है। ठीक है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, विद इन अ मंथ सभी प्रक्रिया हो जाएगा, विद इन अ मंथ सभी प्रक्रिया हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर आप में से कोई फॉर्म भर रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बोलिएगा, यस सर मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ, सो दैट कि आई कैन अंडरस्टैंड कि कितने लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं, कितने लोग के लिए वीडियो वैल्यूएबल है ये पता चले। मेरा मानना है कि अगर हम एक नोटिस आपको बताते हैं उससे अगर एक लोग का भी सिलेक्शन हो जाता है, दैट इज़ गुड फॉर मी एंड माई वर्क।
आवेदित पद का नाम देख लीजिए, अभ्यर्थी, इसी को बढ़िया से भर लेना है, भर के जो है ना सभी डॉक्यूमेंट को संलग्न कर लेना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, स्कैन करके आपको इसका पीडीएफ बना के WCD जो है mungir@gmail.com पे भेज देना है। चलिए, तो अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसे अपडेट के लिए हम आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेट देते रहेंगे, नए नए अपडेट बताएंगे, नए नए वैकेंसी आते रहते हैं, सब के बारे में बताएंगे, चाहे वो जिला लेवल पे हो, प्रखंड लेवल पे हो, पंचायत लेवल पे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक वंस अगेन एवरी वन, एंड बेस्ट ऑफ लक एवरी वन।